अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज की नई गोल्ड की एनालिसिस और लर्निंग वीडियो के साथ आपका प्यारा भाई हसन फारूक बड़लास आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। तो हमेशा की तरह जो कल हमने आपको सिखाया और जो हमारी कल की प्रेडिक्शन थी उसके बारे में जिक्र करेंगे। हमने क्या बोला, क्या हुआ, आज क्या होने जा रहा है वो पता लगाने की कोशिश करेंगे और फंडामेंटली मार्केट क्या कहती है वो पता लगाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन क्लिक कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल सके ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। साथ में नीचे हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल मौजूद है, वो लाजमी ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो कल की प्रिडिक्शन में हमने आपको कहा था कि हमने जो है बाइंग देखनी है और एक मिनट रुकिएगा, एरिया हमने आपको बताया था कि उस वक्त मार्केट मौजूद थी, मेरे ख्याल से इस एरिया पे मौजूद थी। मैंने आपको बोला था कि बाइंग के लिए अगर आप टॉप से बाइंग कर रहे हैं तो उसकी सबसे पहली शर्त यह है कि M15 में जो हमारा लास्ट हाई है वो एक बार ब्रेक हो, मार्केट वापस आके इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे और फिर दोबारा एक नया हाई बनाए। सिर्फ उस सूरत में हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम बाय नहीं करेंगे। अच्छा हुआ क्या, मार्केट ने ब्रेक किया एग्जैक्ट वहां तक, कई जहां तक बताया था, फिर वापस आई मार्केट, ट्रेंड लाइन टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ने हाई ब्रेक किया जो यहाँ पे हमारी बाय बनी। हमने बाय किया मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारा 100 पिप्स का तकरीबन स्टॉप लॉस हिट हुआ। जाहिर सी बात है हम भी इंसान है, फेक मूव थी और हम भी इस बार ट्रैप में आ गए। मुझे लगता है स्मार्ट मनी को हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हाई पे हम जो है ना बाय करते हैं, सालों ने हाई बना के उसके बाद मार्केट सेल में लेके गए। बहरहाल अच्छा, उसके बाद आपको बताया था कि अगर मार्केट इस एरिया से नीचे बंद हो जाए 227 से तो हम सेलिंग करेंगे। कहाँ तक सेलिंग करेंगे, सबसे पहले 23 तक, अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो हम सेलिंग करेंगे 2716 14 तक। आप देखें यहाँ पे हमारी सेल बनी, हमारी सेलिंग स्टार्ट हुई, हमारा टारगेट 100 पिप्स का हिट हुआ जो कि स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वो हमारा ब्रेक इवन हो गया लॉस। उसके बाद मैंने आपको बाइंग बताई थी इस एरिया से और इस एरिया से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट ही नहीं किया तो ये हमारा एरिया खत्म हो गया। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा उसके बाद एग्जैक्ट 2716 का जो एरिया था 271613, यहां पे आप देखें ये मार्केट ने आके इस एरिया को टेस्ट किया, रिजेक्शन मिली, बहुत प्यारी बाय मिली, टारगेट हमारा 200 पिप्स का था और एग्जैक्ट 200 पिप्स का हमें इस एरिया से मूव मिल गया। यानी कि कल हमारी 4 ट्रेड्स टोटल ओपन हुई, सॉरी 3 मेरे ख्याल से, एक बाय की हुई जिसका 100 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा, फिर सेल की हुई जिसका 100 पिप्स का टेक प्रॉफिट लगा और फिर ये वाली बाय की पोजीशन जिससे हमें 200 पिप्स का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कल की प्रिडिक्शन थी जो कि एक और दिन हमारा बहुत जबरदस्त प्रॉफिट में खत्म हुआ। अब आज क्या होने जा रहा है वो पता लगाते हैं। फंडामेंटली अगर आज हम बात करें तो आज भी मेरी नज़र में कोई इतना स्ट्रांग डेटा मौजूद नहीं है आज के दिन भी एक्सपेक्टेड जो कि मार्केट को हिला सके, तो फंडामेंटली आज भी इग्नोर मारेंगे। गोल्ड की अगर हम बात करें तो इस वक्त मौजूद है 2728 पे और सबसे पहले मैं एरियाज ड्रॉ कर लेता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ कि किस तरह से ट्रेड करना है। सबसे पहला एरिया मेरा जो लगा है वो लगा है 2728.50 जो कि ये जो अभी करंट हमारी एक साइड वे चल रही है इसका लो है। अच्छा दूसरा एरिया अगर हम देखें का भला करे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वैसे तो ये भी बन रहा है मगर मेरी नज़र में ये वाला एरिया जो है ना 20 का ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह से अरे भाई क्या हो गया है,
और बाइंग के लिए मेरे हिसाब से बाइंग का थोड़ा आज खतरनाक है मामला, मगर फिर भी हम देख लेते हैं। हाँ ये बेहतर है, ट्रेंड लाइन ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ रुकिएगा, मैं ज़रा एक चीज़ देख लूँ ये कोई तुक बनती है इसकी कि नहीं। ये ज़बरदस्ती लगाने वाली बात है तो इसको हटा देते हैं। अच्छा गाइस तो इस वक्त गोल्ड मौजूद है 2731 पे, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक छोटा सा माइनर एरिया है ये वाला जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको गोल्ड अभी लगा हुआ है यहाँ पे ना, ब्रेक नहीं कर पाया। फर्ज कर लें गोल्ड ब्रेक करता है 2728.50 से नीचे बंद होता है H1, तो सेल करेंगे कहाँ तक के लिए सेल करेंगे? 2720 तक के लिए सेल करेंगे, ठीक हो गया। 2720 से बाइंग देखेंगे, अगर बाय मिलती है यानी कि H1 यहाँ पे बाय में बंद होता है तो अगेन बाय कर लेंगे कहाँ तक के लिए? 2728 तक के लिए, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन हमारी आके टकराएगी कहाँ टकराएगी? 2735 तक के लिए, क्योंकि आज भी कोई न्यूज़ नहीं है तो मार्केट को हल्के हल्के जाने देंगे इस तरह से, ठीक है। अच्छा अब मेरे हिसाब से कि ये जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रेक लगेगा गोल्ड के बाइंग ट्रेंड को, जब तक अगर हाई टूट जाता है एक और अगर गोल्ड हाई बना लेता है तो ये समझें कि अंदाज़ा जो है हमारा वो गलत हो गया, मगर अगर गोल्ड हाई नहीं बनाता एक और तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रेक लगना चाहिए और इस एरिया से हमें अगेन सेलिंग देखनी चाहिए, और ये मैं आपको समझा भी देता हूं कहां तक के लिए, क्योंकि यहां से मजीद बाइंग में मैं फिलहाल, हालांकि स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो अभी भी बाइंग दिखा रहा है, मगर मैं जाती तौर पे इंटरेस्टेड नहीं हूं जब तक मुझे एक लो ना मिल जाए, और लो से मैं बाय करूंगा। हालांकि गोल्ड का ट्रेंड बाइंग ही है, सेल का सोचिएगा भी नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूं, मगर मैं फिलहाल इंतजार करूंगा एक लो मिलने का, उसके बाद मैं देखूंगा कि यार मैं अब दोबारा नीचे से बाय करूं। तो गोल्ड मौजूद है 2731 पे, इंतजार करें 2728.50 से नीचे बंद होने का, सेल करेंगे 2720 तक के लिए, इस एरिया से अगेन बाय करेंगे सेम ट्रेंड लाइन के लिए, और यहां पे अगर H1 ब्रेक कर देता है तो हम इस ट्रेंड लाइन का वेट करेंगे, यहां से सेल करेंगे 2720 तक के लिए। अगर 2728 पे ही H1 सेल बना देता है तो अगेन सेल कर सकते हैं, तकरीबन 130 पिप्स की मूव बनेगी, और ये हमारे आज के एनालिसिस हैं। मगर फिर भी अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो आपको हमारी लॉजिक पता है किस तरह से, हम हाई ब्रेक होने पे, मैं खुद जाती तौर पे आज ट्रेड नहीं करूंगा हाई पे अगर ब्रेक होता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं सेलिंग कर से नीचे से बाय करूंगा। ब्रेक होता है आपको पता है, लास्ट हाई टेस्ट करने दें, उसके बाद एक लो बनाने दें, उसके बाद जैसे ही वो अपना हाई ब्रेक करे अगेन तो आप बाय कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, बेसिक वीडियो है आज की, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मार्केट क्योंकि फंसी हुई है एक ही जगह पे तो बहुत ज़्यादा कोई हार्ड लेवल्स भी नहीं है, इजी लेवल्स हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुँचाने में मदद करें, वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और दुआओं में याद रखें, जम के पैसे कमाएं, अल्लाह हाफिज़।